उमेश जी हैं और 10-12 दिन पहले जो है स्लिप डिस्क लेकर के आए थे और इनको कैनाल स्टेनोसिस और L5-S1 पे स्लिप डिस्क है और काफ़ी पेन में थे, साथ में डोर्सल लंबर स्कोलियोसिस भी है क्योंकि अब ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है और पेन में भी काफ़ी आराम है। अभी आपको कैसा लग रहा है पहले से? डॉक्टर साहब अभी बहुत बेहतर है। पहले वो टाइम था 10-12 दिन पहले तक सुबह उठने में ही तकलीफ होती थी, पीछे बाईं तरफ पैर में नीचे लेकर पूरा पैर में नीचे तक बहुत दर्द होता था और एग्जैक्टली एकदम वो दर्द पूरा एक जगह खाली टच करने पे पीछे सीधे नीचे एड़ी में होता था, मगर ये नहीं है, ऐसा कोई दर्द नहीं है, मुझे बहुत आराम है। हाँ, तो इसमें इनका योगदान ज़्यादा है बिकॉज ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव और ट्रीटमेंट को एंजॉय करते हैं बेसिकली, तो इसलिए ये जल्दी ठीक भी हो रहे हैं और इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं स्लिप डिस्क या कितना भी सीवियर कैनाल स्टेनोसिस है या वो साथ में स्कोलियोसिस भी है अगर, तो वो सारी चीज़ें जो है कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट से ईजिली जो है करेक्टेबल हैं, सही हो जाती हैं। और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं कि नहीं सही होता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सही समय पे सही जगह अगर आप पहुँचते हैं तो आप बिल्कुल ठीक होंगे। थैंक यू डॉक्टर।